संस्कारधानी जबलपुर में ऐसे कई ऐतिहासिक मंदिर हैं जो अपनी वास्तु शैली के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक है पुष्य नक्षत्र मंदिर, जिसका निर्माण भी पुष्य नक्षत्र काल में हुआ था। तो क्या है इस धरोहर का रहस्य और ऐतिहासिक महत्व, इस रिपोर्ट में जानिए। संस्कारधानी के गढ़ा देवताल क्षेत्र में बना पुष्य नक्षत्र मंदिर अपने आप में अद्भुत है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण सिर्फ पुष्य नक्षत्र काल में हुआ है, यानी कि साल के सिर्फ 12 दिनों में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसे बनाने में 50 साल लग गए। मंदिर की खासियत है कि मंदिर मेरु श्रीयंत्र की तर्ज पर बना है। मेरु श्रीयंत्र में जिस जगह जो देवता विराजमान है, वैसा ही मंदिर में भी स्थान दिया गया है। इस मंदिर की नींव केशवानंद ने रखी थी, तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशज इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। मंदिर को बनाने में हमारी दो पीढ़ियां लग गई हैं। दो बुजुर्ग जो थे, उन्होंने दो पीढ़ियां लगभग मंदिर में बनाने में उनका टाइम लगा हुआ है, 50 से 60 साल कम से कम। और केवल पुष्य नक्षत्र में, जो महीने में एक दिन पुष्य आता है, उस नक्षत्र में मात्र इसका निर्माण काल चलता था। उसी समय मूर्तियां उकेरना, उसी समय पत्थर लाना, उसी समय सारा जो भी कार्य होता था केवल पुष्य में होता था, और पुष्य खत्म होने के बाद वो कार्य वहीं के वहीं छोड़ दिया जाता। मंदिर की नक्काशी और बनावट तो अद्भुत है ही, साथ ही मंदिर में हर देवी देवता की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में महाशिवरात्रि और साल में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन खास पूजा की जाती है, जिसमें दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु शामिल होते हैं। माना जाता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। संस्कारधानी का ये मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पुष्य नक्षत्र काल में बना है। यही वजह है कि मंदिर में लोगों की आस्था ज्यादा है और देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सोनल पांडे, बंसल न्यूज, जबलपुर।